वेलकम दोस्तों, मैं हूं इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो इस वीडियो में मैं आज जो आपके लिए HVAC में लेके आया इंतहाई है मैं, इसमें आप देखेंगे कि स्प्लिट यूनिट या कैबिनेट या कोई भी यूनिट की आप फ्लेयर नट यूनिट से फिटिंग करते हैं जो आरजी तौर पे होती है, तो इसमें टेफ्लॉन भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह हम ग्रीस इस्तेमाल कर रहे हैं और ये काफ़ी फायदेमंद भी होती है और सस्ती भी होती है। इसमें आप देखेंगे दोनों जगह पर आप ग्रीस लगा के तो ईजीली काम कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि स्टक नहीं होती चूड़ियाँ, फ्लेयर नट या कोई भी इस तरह की यूनिट की साइड होती है तो उसको आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को देखें। हाँ तो दोस्तों, इसके लिए हम ग्रीस को भी यूज करते हैं, इधर लगाने से ये एक स्टक नहीं होता। इसको जो मैं सेट करता हूँ, हाँ तो दोस्तों ये ग्री का 1.5 टन का स्प्लिट है, इन्वर्टर टैप कनेक्शन हो चुके हैं। अभी हम इसकी गैस को ओपन करते हैं, पर्च करा के तो उसके बाद फाइनल हो जाए। हाँ तो दोस्तों, इसको मैं गैस को छोड़ता हूँ हल्का सा प्रेशर। ये लिक्विड लाइन खोलेंगे ना तो इससे गैस सारे सर्कुलेट होके इनडोर से वापस होके इधर आ जाएगी। इधर से हम इसको पर्च करा सकते हैं। हाँ तो इसको मैं लगाता हूँ ये अडाप्टर। अभी आप देख सकते हैं प्रेशर काफी कम है तो मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसको मैंने 100 के करीब कर दिया प्रेशर को। अभी ये फ्लेयर नट चेक करते हैं उसके बाद इसको। हाँ तो दोस्तों, ये आप चेक कर सकते हैं कि जोड़ बिल्कुल क्लियर है और इसको हम थोड़ी देर के लिए ठहरा रहने देंगे प्रेशर, उसके बाद फुल गैस खोल देंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक क्लोज करते हैं। आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।